हाई गाइज दिस इज डॉक्टर आरती हेयर फ्रॉम पेन केयर क्लिनिक जरकपुर चंडीगढ़ आई एम बैक अगेन विद माई फेवरेट मॉडल ओके तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि फीमेल्स में जब शोल्डर पेन होती है और स्पेशली जब हम बात करते हैं लेफ्ट साइड के शोल्डर पेन की उसके क्या कारण हो सकते हैं यूजअली क्या होता है शोल्डर पेन किसी भी साइड पर हो सकती है लेफ्ट साइड और इधर राइट साइड बट जब हमारी लेफ्ट साइड में पेन आती है एकदम से तो पैनिक थोड़ा ज्यादा कर जाता है पेशेंट कारण क्या होता है कि लेफ्ट साइड में हार्ट भी होता है और उसकी वजह से लगता है कि कुछ हार्ट की वजह से तो कोई सिम्टम नहीं आ रहा है जिसकी वजह से इतना ज्यादा एकदम से शार्प पेन आ रहा है तो सबसे पहले जब भी लेफ्ट साइड पे आता है तो लोग उसी डायरेक्शन में ज्यादा सोचते हैं और इमीजिएटली रश करते हैं मैंने देखा है मोस्टली टाइम्स वो हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं पहले तो वो सब टेस्ट करवा लेते हैं ईसीजी करवा लिया नॉर्मल आ गया हार्ट रेट वगैरह सब कुछ चेक आता है नॉर्मल आते हैं आपने ब्लड शुगर टेस्ट कोलेस्ट्रॉल लेवल सब कुछ आपने टेस्ट करवा लिया बट स्टिल आपका पेन एज इट इज है तो होता क्या है वो आपने रूल आउट कर दिया जब आपको उस साइड की कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसके बावजूद भी कई बार क्या होता है कि नहीं सोचा जाता कि ये पेन कहीं और से भी आ सकती है तो मैं आपको वही बताना चाहती हूँ कि सिंपल सी बार बहुत छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि नेक मसल्स टाइट होने की वजह से इमीजिएटली पेन ट्रिगर कर जाता है बाजू की साइड पर ट्रिगर कर सकता है शोल्डर में आ सकता है चेस्ट में आ सकता है और वही जैसे मैंने बताया आ दोनों साइड पर सकता है लेकिन लेफ्ट साइड पर होने की वजह से ज्यादा पैनिक क्रिएट हो गया था तो आप अगर मान लो इतना सब कुछ टेस्ट करवा चुके हैं सब कुछ हो चुका है लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपकी पेन सॉल्व नहीं हो पा रही है तो आपको एक अच्छे डॉक्टर को दिखा के ऑर्थो डॉक्टर को कंसल्ट करके जो आपको प्रॉपरली डायग्नोज कर सके आपको अपने पेन का कारण ज़रूर फाइंड आउट करना है ठीक है जैसे कि हम देखते हैं काफ़ी पेशेंट्स में कॉमनली होता है कि ये नेक मसल्स टाइट होने की वजह से पेन रेडिएट कर जाता है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ रही होती है जब तक वो सॉल्व नहीं होगी मसल्स जब टाइट हुए हुए हैं इनमें बैंड्स बन जाते हैं ऐसे गुटलियाँ जैसे बननी शुरू हो जाती हैं नॉट्स बन जाती हैं तो वो नॉट्स जब भी आप मूवमेंट करते हैं सपोज हम या कई बार नहीं भी मूवमेंट करते सिंपली बाजू लटकी भी होती है तो भी वो खिंच रही होती है मसल वहाँ से खिंच नॉट खिंचने की वजह से जो पेन आ रही होती है बाजू में वो इतना सिवियर होता है कि आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो जब तक आपकी वो मसल्स रिलीज नहीं होंगी वहाँ से आपके पेन में कोई फर्क नहीं आएगा आप पेन किलर खा लेंगे थोड़े दिन आराम रहेगा अगेन पेन इज बैक अगेन प्रॉब्लम होगी और होता क्या है यह भी मैं आपको बता दूं कई बार प्रॉब्लम क्या होती है टाइट हुई होती है मसल्स ऑपोजिट साइड की और पेन रेडिएट कर रहा होता है ऑपोजिट साइड में मीन्स पेशेंट को पेन फील हो रहा है लेफ्ट साइड में बट उसकी प्रॉब्लम जनरेट हो रही है राइट right साइड की मसल्स की टाइटनेस की वजह से तो ये हमें बहुत केयरफुली फाइंड आउट करना पड़ता है कि कहाँ से पेन आ रही है किस मसल के टाइटनेस की वजह से वो पेन जनरेट हो रही है तो उसको जब तक हम रिजॉल्व करेंगे वही हमारा पेन ठीक कर पाएगी मीन्स वही जो कारण है जिसको हम फाइंड आउट करके उसको ठीक करेंगे उसी से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी पेन किलर्स अगर आप खाना चाहते हैं आप एक दो दिन ट्राई कर लीजिए अगर उससे आपको नहीं बेनिफिट हो पा रहा है देन यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप क्योंकि पेन किलर्स परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकते पेन किलर में सिर्फ पेन किलर ही होता है जो पेन को सब्साइड कर देगी कुछ टाइम के लिए बट अगर वो रिपीटेडली आ रही है उस दिक्कत को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि होता क्या है आज ये बाजू में आई है पेन लेकिन जो ये नेक है यहाँ की जो मसल्स टाइट हुई हैं अगर ये यहाँ से इसको स्क्वीज़ कर रही है इन मसल्स को टाइटली होल्ड कर रही हैं तो आपका एक साइड को ही बॉडी रोटेट कर जाएगी तो उस रोटेशन की वजह से अगर हमारे स्पाइन जो है वो कनेक्टेड है थ्रू आउट फ्रॉम सर्वाइकल से लेके लंबर एरिया तक ये थ्रू आउट कनेक्टेड है तो अगर एक साइड को बॉडी रोटेट कर रही है तो लंबर साइड पे भी बॉडी कॉम्पनसेट करने के लिए दूसरी साइड को रोटेट करेगी तो दूसरी साइड की ऑपोजिट साइड की मसल्स नीचे बैक में भी टाइट होनी शुरू हो जाएंगी और ये कारण कोई पहचान नहीं पाता कई बार ये बहुत सीवियरिटी कंडीशन में चली जाती है लोग बोलना शुरू कर देते हैं हमारे तो एक साइड पे ही दर्द आना शुरू हो गया मीन्स उनके ऊपर के हिस्से में भी दर्द होगी उनके नीचे के भी हिस्से में दर्द होनी शुरू हो जाएगी तो कारण यही होता है और वो फिर और अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं कई बार की न्यूरो के केसेस समझने लग जाते हैं या कुछ पैरालाइज टाइप समझने लग जाता है कि हमारे तो एक साइड पे दर्द हो रही है बट वो तो दर्द है उसको फाइंड आउट कीजिए प्रॉपरली उसको बिगाड़िए मत मतलब उसको इतना मत वो कर दीजिए कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ती ही रहे और अलग अलग क्योंकि डायग्नोसिस जितने ज़्यादा आप दिखाएंगे अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट्स ले लेंगे बॉडी को एक्सपेरिमेंट काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे ठीक हो पाना काफ़ी मुश्किल हो जाती है उसके बाद चीज़ें तो पेन आई है एक दो गोलियों से अगर नहीं बात बनती है इमीजिएटली नेक्स्ट स्टेप के साइड जाइए और उसको सॉर्ट आउट कीजिए दवाइयों से यदि बात नहीं बन रही है तो आपको कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा जो कि आपके पेन को रिजॉल्व कर सके सो हमारी और भी इस सीरीज में वीडियोस आती रहेंगी स्पेशली जो शोल्डर पेन की हमने सीरीज शुरू की है तो इससे जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और वीडियो को तो ज़रूर लाइक और शेयर करना ही है आपने और कमेंट सेक्शन में अपनी कोई भी प्रॉब्लम है आप उसको डालिए और बाकी नंबर यहाँ फ्लैश हो ही रहा है उस पर आप अपनी कॉल करके अगर आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है आप वो ले सकते हैं या आपको कोई दिक्कत है आप उसके बारे में जानना चाहते हैं आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं सो थैंक यू गायज सी यू अगेन